मेरे प्यारे दोस्त, तीन रीजन है कि पढ़ाई करने के बाद भी हमें कॉन्फिडेंस की कमी है। वो जो तीन रीजन है कि हमारा यूपीएससी सीएसई 2021-22 जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं वो क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आमतौर पे ये डाउट अभी फिलहाल के दिनों में 2021 के एस्पिरेंट में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। रीजन क्या है कि अभी 2021 के लिए लिमिटेड आपके पास एक टाइम पीरियड बचा हुआ है। तो वो रीजंस क्या है कि पढ़ते हुए भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आमतौर पर तो ये होना चाहिए कि पढ़ने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, एक तो है स्टडी रिलेटेड, ये प्रॉब्लम है तीनों, ठीक है ना। स्टडी रिलेटेड का मतलब है कि हमारा पढ़ने का तरीका शायद गड़बड़ है, थोड़ा लैक ऑफ क्लैरिटी, हमें क्लैरिटी नहीं है इसलिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और एक है सेल्फ डाउट कि हम खुद के ऊपर डाउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है यहाँ पे आपका कि आप पढ़ रहे हैं और फिर भी आपको पढ़ने के बाद भी डाउट है, आप कंफ्यूजन में है, ठीक है ना। आपको पता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका क्लियर होगा या नहीं होगा। रीजन क्या है कि जो आपने पढ़ा था ना, उस समय आपने पढ़ लिया किसी भी चीज़ को, उसके बाद आपने उसको प्रॉपरली जब रिवाइज नहीं किया तो वो आपके दिमाग में कंसोलिडेट नहीं हुआ। अब जब उसके ऊपर आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठेंगे या आप उसको याद करने के लिए बैठेंगे कि चलिए मैं एक बार रिफ्लेक्ट करता हूँ अपने दिमाग में, तो वो आपको उस समय पे याद बिल्कुल भी नहीं आएगा। और क्योंकि आपने रिविजन नहीं किया इसलिए, और आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी फिर नहीं आने वाला, कॉन्सिक्वेंटली कॉन्फिडेंस आपका चला जाएगा। तो कभी भी जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको प्रॉपरली अगर आप रिवाइज करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे आप एक बात बताइए, आपने कोई ऐसी चीज़ जो 5 से 10 बार पढ़ी हो, क्या मैं अगर आपसे उसमें से कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप नहीं बता सकते? क्या गाना जो आपने 10 बार या 20 बार सुना है आप उस गाने को गा नहीं सकते? तो यही सिर्फ इतनी सी बात है कॉन्फिडेंस लेके आने की कि एक तो आपने एक गाना एक बार सुना हो और या फिर वो गाना आपने 10 बार सुना हो, तो क्या आप उसको रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इतना ही फर्क है। कॉन्फिडेंस का सबसे पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन है कि हमें क्लैरिटी नहीं है। ये रोड देखिए यहाँ पे, जहाँ तक आपको लाइट दिख रही है आप कॉन्फिडेंटली मूव कर सकते हैं, आपको पता है आगे क्या है, आपको पता है आपको रोड दिख रहा है, प्लेन रोड है, प्लेन सरफेस है, आप यहाँ पे चल सकते हैं। लेकिन क्या इसके बाद जो अंधेरा है वहाँ पे आप चल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी चली गई, क्लैरिटी चली गई तो कॉन्फिडेंस चला गया। यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस से मूव कर रहे थे लेकिन अंधेरे में आप कॉन्फिडेंस से मूव नहीं कर पाओगे, आपको नहीं पता आपके आगे क्या आने वाला है। तो यूपीएससी की तैयारी में ये जो क्लैरिटी है इसको हम बिल्कुल कंपेयर करते हैं कि आपने अपने सिलेबस के ऊपर कितनी पकड़ बनाई हुई है, आपने अपनी स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी बनाई है, उस पर डिपेंड करता है आपको क्लैरिटी कितनी है यूपीएससी के बारे में, कि आपको कदम कदम पे करना क्या है, कौन से महीने में आपको क्या करना है, कितने महीने में आपको क्या चीजें फिनिश कर लेनी है। अगर आपने प्रॉपर अपनी क्लैरिटी बनाई हुई है, ये मेरे सोर्स है, ये मेरा सिलेबस है, ऐसे मैं नोट्स बनाऊंगा, पूरी स्ट्रेटेजी अगर आपके पास है तो आप हाईली कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, चाहे अपने टीचर की मदद से, चाहे खुद ही, कि ज्यादा से ज्यादा आप एनालिसिस कर पाएं और इस क्लैरिटी को अचीव कर पाएं जिसमें आप इजिली मूव कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे आता है कि सेल्फ डाउट, कि अभी रिजल्ट आया जैसे प्रीलिम्स का, तो मेरे पास क्वेश्चन आए कुछ बच्चों के कि सर हमें लगता है कि हमारा 2021 में क्लियर नहीं हो पाएगा, जबकि अभी प्रीलिम्स के 8 महीने बचे हुए हैं, मेंस के 11 महीने बचे हुए हैं। रीजन क्या है कि हम सेल्फ डाउट करते हैं दूसरों का रिजल्ट देख के। हम देखते हैं कि 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, हमारे किसी रिलेटिव का हो नहीं पाया क्लियर, वो तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ते थे, उनका क्लियर नहीं हुआ। अरे यार, आपको क्या लेना देना है उस चीज़ से, आप अपनी एक सीट से मतलब रखिए। अगर एक भी वैकेंसी है, एक भी सीट वैकेंट है, तो आप सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखिए। फिर मैटर नहीं करता कि कितने बच्चे उसके लिए एग्जाम दे रहे हैं, कितने बच्चे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप ये भी देखिए कि 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे, 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए, उनमें से 15,000 बच्चे मेंस में जाके बैठने वाले हैं, 12 से 15,000 बच्चे। तो क्या उन 12 से 15,000 में आप नहीं हो सकते? फर्क क्या है उन 5 लाख 10 लाख बच्चों में और उन 15,000 बच्चों में जो मेंस में जाने वाले हैं उनकी तैयारी? तो अगर आपने अच्छे से तैयारी करी हुई है तो फिर आप सेल्फ डाउट क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि आप चाहे कप को आधा खाली देखिए या आधा भरा हुआ देखिए, मींस आप चाहे ये देख लीजिए कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर ये देख लीजिए कि कुछ ऐसे बच्चे हैं 15,000 के आसपास जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो प्रीलिम्स क्वालिफाइड है और जो मेंस के लिए जाने वाले हैं। तो आप अपने लिए एक सेल्फ किलिंग मशीन ना बने, प्रैक्टिकल रहिए, ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, क्लैरिटी लेके आइए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करिए, थोड़ा पढ़िए लेकिन उसको रिवाइज कीजिए, आप पूरे हाईली कॉन्फिडेंट उसके बाद होने वाले हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन है। स्टडी रिलेटेड के लिए मैंने
बता दिया, स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए, स्टडी कीजिए कीजिए, रिवाइज कीजिए और रिपीट कीजिए। एबिंग हाउस का फॉरगेटिंग कर्व है, रिवीजन के ऊपर मेरी एक क्लास आने वाली है, प्रॉपरली रिवाइज कैसे करें उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो रिवीजन अच्छे से अपना करते रहिए, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस पूरा आएगा। एक महीने ट्राई करके देखिए, आज कल सुबह से जो आप पढ़ने वाले हैं उसको आप प्रॉपरली रिवाइज करते जाइए एक महीने में जो भी आप पढ़ते हैं, फिर बताना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया या नहीं। लैक ऑफ क्लैरिटी, इसको कैसे खत्म करें, ट्राई फॉर क्लैरिटी। आप यहां पे क्लैरिटी लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, ध्यान दीजिए चीजों के ऊपर, डीपली जाके एनालाइज कीजिए अपना, यहां पे बेसिकली दिमाग जो है उसको शार्प बनाइए, अपने हथियार को शार्प बनाइए। सेल्फ डाउट, ठीक है ना, डोंट बी अ सेल्फ किलिंग मशीन, बी प्रैक्टिकल, थोड़े प्रैक्टिकल हो जाइए और खुद को मारना बंद कीजिए कि उसका हो गया उसका नहीं हुआ। आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है और कई हजार बच्चे यहां पे ऑलरेडी एंटर्ड हो चुके हैं जिनमें आप भी हो सकते हैं 2021 में। सो आई होप आपको ये जो कॉन्फिडेंस वाली प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो गई होगी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।